दरभंगा जिला के गोराबुराम प्रखंड के आधारपुर पंचायत के तहत वार्ड संख्या 7 के सदस्य जाहिर रैन ने नल जल योजना मरम्मति कार्य की राशि भुगतान नहीं होने से नाराज वार्ड सदस्य ने गुरुवार को प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत देकर राशि भुगतान करने की मांग किया है। दिए गए आवेदन में वार्ड सदस्य जाहिर रैन ने कहा है कि विभागीय आदेश से जलापूर्ति मरम्मत कार्य पूर्ण कराया गया तथा सभी प्रकार के आवश्यक कागजात मापी पुस्तिका मास्टर रोल बिल वाउचर के साथ जैक के द्वारा MB पूरा करने के बाद भी मुखिया पेमेंट नहीं कर रहा है और उनका आरोप है कि पंचायत के मुखिया एवं सचिव कमीशन पहले मांग रहा है। वार्ड सदस्य जाहिर रैन ने कहा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल जल योजना के तहत पंचायत के वार्डों में उनके द्वारा नल जल का मरम्मति कार्य कराया गया है। वार्डों में कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन मुखिया पंचायत सचिव के द्वारा नल जल योजना मद की राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर हम मुखिया एवं पंचायत के सचिव से कई बार मिल चुके हैं। उनके द्वारा बार बार भुगतान करने से इनकार किया जा रहा है। साथ ही इन लोगों के द्वारा योजना मद में किए गए कार्यों में कमीशन की मांग की जा रही है। कमीशन नहीं देने के कारण हम लोगों का भुगतान अब तक लंबित है। घर कहाँ हुआ आपका? कौन सा पंचायत? आधारपुर पंचायत। अच्छा, प्रखंड कौन सा है? घोराबोरा। वार्ड कौन सा? क्या मामला है? आप अनुमंडल पदाधिकारी के पास आपने आवेदन दिया है, क्या कुछ मामला है? मामला ये है, जल नल का मरम्मति किए हैं, मरम्मति करने के बाद 130,000 का 3,000 का MB बनवाए हैं। इधर देखो, उसके बाद मापी पुस्तक उनका जो होता है वो रेडी करवाए, ये रेडी करवाए, उसके बाद प्रशासनिक लिए मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी प्रशासनिक नहीं दे रहे थे। कौन मुखिया जी? नरेश साहू। ये अभी मुखिया है? हाँ, अभी का मुखिया है। अच्छा, नरेश साहू। उसके बाद 2-3 बार गए, नहीं किया, तब सेवक जी को प्रयास किए, सेवक जी को बोले ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, हम लोग को कह रहा था। उसके बाद सेवक जी को फिर एक रोज बोले प्रखंड पे, तो बोला सेवक जी एजेंसी द्वारा पेपर दीजिए, हम प्रशासनिक दिलवा देते हैं। एजेंसी द्वारा प्रशासनिक दिलवा दिए, उसके बाद बोले हम पैसा ट्रांसफ़र करिए, तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, बोला 25% हमको कमीशन चाहिए, उसके बाद हम ट्रांसफ़र करेंगे। कौन कमीशन की बात, कौन मांगा कमीशन की बात कर रहे हैं? सेवक जी और मुखिया नरेश साहू। सेवक का क्या नाम है? संतोष कुमार। अच्छा, इन्होंने आपसे 25% जी कमीशन मांगा, उसके बाद आपको खाता हम ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, नहीं दीजिएगा तो नहीं करेंगे। अच्छा, आप क्या काम किए थे नल जल में? नल जल में काम किया मरम्मत, जैसे नल टूट गया किसी का, पाइप टूट गया, वो रिपेयरिंग किए हैं, यही सब रिपेयरिंग किए हैं। अच्छा, मतलब नल जल में रिपेयरिंग का आप काम किए थे? कितने का काम किए थे? 1,03,000। 1,03,000 का, जिसका मतलब सब कुछ हो चुका है, बिल वाउचर भरा गया, MB सारा चीज़ रेडी है, डॉक्यूमेंट्स मेरा। हाँ, मुखिया जी आओ सचिव द्वारा ट्रांसफर नहीं कर रहे पैसे। क्या कहा जा रहा है? बोला कर देते हैं, 10 रोज में कर देते हैं, 5 रोज में कर देते हैं। नहीं, अभी आपने कहा कमीशन मांगा जा रहा है, कमीशन कौन मांग रहा है? कमीशन दोनों आदमी मांग रहा है, जरा भी नहीं करके। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? बिना कमीशन के काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। तो आप इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? इसकी शिकायत हम बोरा प्रखंड में किए, उसके बाद अनुमंडल में किए हैं, देखिए आगे क्या हो रहा है। तो जब आप प्रखंड में शिकायत किए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ से? अभी तक तो कुछ सूचना नहीं मिला। इससे पहले और कहाँ कहाँ शिकायत किए थे? इससे पहले कहीं नहीं किया, मौखिक शिकायत किए हैं। हाँ, सर को 2-3 बार मौखिक किए हैं, चारों सर भी आश्वासन दिए हैं। अच्छा, 10 रोज में करवा देते हैं, 5 रोज में करवा देते हैं। आप आधारपुर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं? जी, हम। कितने नंबर वार्ड से हैं? 7 से। 7 नंबर वार्ड से। मुखिया जी का आपके साथ समन्वय नहीं है क्या? बातचीत नहीं रहता है बैठ? अभी फिलहाल बातचीत नहीं रहता है। अच्छा, तो मुखिया जी के पास आप गए थे सब मामला को लेकर फिर दोबारा? जी, इससे पहले भी मुखिया जी को दिए थे हम प्रशासनिक के लिए, मुखिया जी लेके गए। अच्छा, मुखिया जी प्रशासनिक नहीं दिए थे? नहीं दिए थे। तो आपने, अच्छा, आपने कैसे नल जल का रिपेयरिंग कर दिया? नल जल का रिपेयरिंग किया है, एस्टीमेट बनवाए हैं, जैसे आपसे जैसा एस्टीमेट बनाए उस आधार पर हम काम करवाए रिपेयरिंग का। अच्छा, जैसा आपने MB तैयार कर दिया? MB जैसा आपको तैयार कर दिया, मतलब जैसा से कोई मतलब दिक्कत नहीं? जैसा से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये दोनों आदमी से है, मुखिया और सेवक कर रहा है, ये दोनों पैसे की मांग कर रहा है कि पहले कमीशन दीजिए 25%, उसके बाद काम होगा, उसके बाद काम, यही बात है जी। तो आपने अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित शिकायत किया है? लिखित। क्या कुछ कहा वहाँ पे अनुमंडल पदाधिकारी ने? अनुमंडल पदाधिकारी अभी तो कुछ नहीं कहा, लिखित शिकायत हम कर दिए हैं, इंतजार करते हैं।